आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू क्रिएट अ फॉक्स मड टेक्सचर। जी हाँ, आप घर के अंदर मड टेक्सचर कैसे दे सकते हो। इसके लिए आपको ज़रूरत है वीट स्ट्रॉ, या फिर जिसे हम तूड़ी कह के बुलाते हैं इन लोकल लैंग्वेजेस, जो एनिमल्स का चारा होता है। इस तूड़ी को हम अंदाजे से मिलाएंगे POP में, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अब आप इसे अच्छे से मिला लीजिए एंड स्टार्ट एडिंग वाटर। पानी मिलाते जाइए जब तक कि आपको एक कंसिस्टेंसी पेस्ट नहीं मिल जाती। सो कीप नीडिंग इट लाइक यू नीड डो। जब आपको एक पेस्ट जैसा बन जाए, तब टेक अ लंप इन योर हैंड्स एंड स्टार्ट अप्लाइंग ऑन एनी सर्फेस वेयर यू वॉन्ट टू यूज द मड टेक्सचर। जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, बस इसी तरह आप लंप लेते जाइए एंड कीप मूविंग इन हाफ सर्कल मोशन ऑन एनी सर्फेस। इसको आप वुडन सर्फेस पे भी यूज़ कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ इट ऑन अ वॉल सर्फेस। जब आपका पूरा सर्फेस हो जाए जिस पे भी आपने मड टेक्सचर देना है, नाउ लेट इट ड्राई कम्प्लीटली। यू कैन लीव इट अराउंड फॉर 5 to 6 hours टू ड्राई अप कम्प्लीटली। नेक्स्ट वी विल नाउ पेंट द सर्फेस वंस इट इज़ ड्राई। पेंट करने के लिए वी विल यूज़ ऑल वेदर प्रूफ इमल्शन पेंट। शेड जो मैंने यूज़ किया है दैट इज़ पॉपिंग अप ऑन द स्क्रीन। आप कोई भी मड कलर से मैच करता हुआ शेड चूज कर सकते हैं। बस अब आप इसे रैंडम स्ट्रोक्स से पेंट करते जाइए टू गिव अ नेचुरल लुक। फॉर लॉन्गिविटी ऑफ द सर्फेस आई वुड सजेस्ट दैट यू ऑल्सो गिव अ कोट ऑफ वार्निश अबव इट। बस वंस इट इज ड्राई, हैव अ लुक एट हाउ नेचुरल द सर्फेस लुक्स। Nobody will be able to make out in one eye that whether it is mud or you have used POP mixture. I have also used the same texture in my living room for a wall shelfie, and have a look at how ethnic and traditional my living room now looks with this wall surface and texture in it. Agar aapko ye fox mud texture pasand aaya, so don't forget to share it and subscribe karna na bhoolein.